हाय एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ एक रेसिपी, क्योंकि आपने मेरी ब्लॉगिंग तो देखी होगी, घूमने की वीडियोस देखी होंगी, बट खाने की वीडियो आपने नहीं देखी है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो बहुत सारा ढेर सारा प्यार देना और अच्छी लगेगी तो ज़रूर शेयर करना। तो मैं बना रही हूँ आज मशरूम मैंने धो के काट के रख लिए। इसके साथ आपने ले लेना कर्ड और आपने अदरक और गार्लिक का पेस्ट बना लेना है, ठीक है। इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और इसमें आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है, जितना आप मतलब बड़ा ज़्यादा मत डाल देना, मतलब नॉर्मल सी हल्दी डाल दी। जो घर में आप किचन में मसाले यूज़ करते हैं, जैसे गरम मसाला हो गया वो डाल दिया आपने, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देना। मैंने देगी मिर्च यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने नॉर्मल जो हमारे घर में मिर्च होती है ना रेड, वही अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लेना। और इसमें ये जो मैंने पेस्ट डाला ये पूरा नहीं डाल देना आपने, थोड़ा सा ही डालना है, थोड़ा सा ग्रेवी के लिए रख लेना जब आपने ग्रेवी बनानी, थोड़ा सा डाल देना। और कर्ड का ध्यान रखना कि आपने उतना ही डालना कि जितना आप मतलब जितना आप खटियाई ज़्यादा खाते हो, कहीं जो ज़्यादा नहीं खाते हो तो ज़्यादा डाल दोगे तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा ही डालना, दो चम्मच डालना, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है पर आप थोड़ा कम डालना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और थोड़ी मतलब 10 मिनट के लिए आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। मैंने तो मैरिनेट होने के लिए रख लिया था। साथ में मैंने ले लिया कढ़ाई, कढ़ाई में आपने थोड़ा सा तेल डाल देना है और जो भी मसाले आप यूज़ करते हो, जैसे जीरा डाल दिया, थोड़ा सा धनिया डाल दिया। मैंने बिल्कुल सिंपल सी बनाई है, अगर आप एक बार भी इसको ट्राई करोगे ना तो आपको सबको पसंद आएगी, जैसे ढाबे स्टाइल में बनाते हैं ना वैसे बनेगी ये। तो इसमें आपने बारीक बारीक प्याज को अच्छे से डाल देना है और इसको अच्छे से ब्राउन होने देना है, जैसे अच्छे से ब्राउन हो जाए तो ही टेस्ट आता है। मैंने अच्छे से इसको पका लिया, जैसे आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लग पड़ा है। फिर आपने हल्के हल्के मतलब गैस को धीमी आंच में ही रखना है और सब चीज़ों को ना धीमी आंच में ही पकाना है। तो जैसे आप मेरा देख सकते हो प्याज पक के रेडी हो गया, और इसमें मैंने आपको बताया था जो गार्लिक का पेस्ट बचा हुआ था जो हमने कम डाला था वो इसमें डाल देना आपने, जो बचा हुआ था इसको भी अच्छे से ब्राउन होने देना, अच्छे से पक जाए। जैसे देखो मेरा पूरा पक गया। फिर उसके बाद आपने टमाटर डालना है, मैंने तो ग्राइंड करके डाला, आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसे डाल लेना। ग्राइंड करके थोड़ा ग्रेवी जो थिक टाइप बन जाती है और अच्छे से पक भी जाती है, तो मुझे थोड़ा ग्राइंड करके ही पसंद आता है। तो मैंने अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया और इसमें थोड़ा सा जो नॉर्मल आपने मसाले डालने हैं वो तो आपने मशरूम को मैरिनेट होने के लिए डाले थे, बट ग्रेवी में भी आपने डालने हैं। तो आपने हल्दी डाल दी, गरम मसाला डाल दिया, रेड चिल्ली डाल दी। नमक मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने उसमें डाला हुआ था मैरिनेट होने में, तो आप देख लेना कि आप कितने लोगों के लिए बना रहे हो तो आप डाल लेना। और मेरी जो दही बच गई थी वो मैंने इसमें डाल दी। अब इसको अच्छे से पका लेना है, अच्छे से मतलब जैसे हल्का हल्का ना वो तेल छोड़ने लग पड़ता है तब तक आपने इसको पकाना है। फिर इसमें थोड़ा सा जब तक पक रहा है थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हो पकाने के लिए ना, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दो ताकि ये अच्छे से पक जाए। थोड़ी देर की 5 की सेकंड के लिए ना आप इसको ऐसे ही रख देना कि अच्छे से पक जाए। फिर हल्की आंच में ये पक रहा है, जैसे ही पक जाएगा तो जो हमारे मैरिनेट किए हुए मशरूम होंगे वो आपने इसमें मिक्स कर देने हैं। जैसे अभी मेरे पक रहे हैं, मतलब इस अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करोगे ना तो खाने का अलग ही टेस्ट आएगा। जैसे मैरिनेट किए हुए मशरूम मैंने डाल दिए और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। और आपने ज़्यादा थिक रखना है या थोड़ा तरीदार, या मतलब जैसे भी आपको अच्छा लगता है, आपने चावल के साथ खाना है या रोटी के साथ खाना है तो ये जैसे आपको ठीक लगे उतनी ही पानी लगाना। तो हाँ, मुझे खाना था ये चावल के साथ, तो चावल के साथ भी खाओगे या रोटी के साथ खाओगे थोड़ा थिक ही रखना तभी टेस्ट आएगा। तो ये देखो हमारा मशरूम बनके रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।